सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल एस्पेक्ट्स ऑफ सिविल इंजीनियर। तो कैसे हैं आप लोग? तो आ गया हूँ आप लोग के लिए एक मोस्ट अवेटेड वीडियो लेके जो है हमारा एसएससी जेई के ऊपर। ठीक है जी, हाँ आपने टाइटल में तो पढ़ ही लिया होगा एसएससी जेई, जो कि हमारा डिप्लोमाधारी, जितने भी डिप्लोमाधारी है उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये एग्जाम। और एसएससी जेई का जो एग्जाम होता है, आप लोग 6 सेमेस्टर में अगर हैं तो उसके बाद अभी आपको देना होगा, या फिर अगर आप उससे कम में 4 सेमेस्टर में हैं तो भी आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, क्योंकि एसएससी जेई एक ऐसा चीज़ है जिसमें आपको डेडिकेशन बहुत ज़्यादा चाहिए, मेहनत बहुत ज़्यादा चाहिए। तो बस इसी पे एक गाइडेंस का मैं काम करने जा रहा हूँ, मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि क्या क्या है एसएससी जेई के एग्ज़ाम में, कैसे आपका एग्ज़ाम होगा, क्या मीडियम रहेंगे, क्या पैटर्न रहेंगे, क्या सिलेबस रहेंगे, आपको कौन से बुक्स फॉलो करना है, अगर आप 4 सेमेस्टर में हो तो कौन सा बुक फॉलो करना है, अगर आप 6 सेमेस्टर में हो तो आपको कौन सा बुक फॉलो करना है, एवरीथिंग मैं आपको बताऊँगा इसी वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखिए और एस्पेक्ट्स ऑफ सिविल इंजीनियर खड़ा है आपके लिए और आपका हेल्प करने के लिए। तो चलिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा पहला स्लाइड है और यहाँ पे आपको एसएससी जेई एग्जामिनेशन ऑल इन्फॉर्मेशन बाय एस्पेक्ट्स ऑफ सिविल इंजीनियर। तो चलिए एग्जाम की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो एग्जाम में आप लोग देख सकते हैं एग्जाम पैटर्न, एग्जाम अच्छा होता क्या है, एसएससी जेई किस चीज़ का एग्जाम होता है, जूनियर इंजीनियर का। ठीक है, जूनियर इंजीनियर, तो आप लोग का जूनियर इंजीनियर का, आप लोग अगर बिहार से हैं तो बिहार सरकार का भी बहुत सारा एग्जाम होता है, बीटीएससी का होता है, बट वो सबको अगर थोड़ा देर के लिए साइड में रखें तो एसएससी जेई क्या है। एसएससी जेई मोस्ट प्रेस्टिजियस, मतलब डिप्लोमा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है एसएससी जेई, और ये ऑल ओवर इंडिया लेवल पे होता है, ये सब बात आप ध्यान में रखिए। एसएससी जेई जो भी होता है ये ऑल ओवर इंडिया लेवल पर, ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार के ही डिप्लोमा स्टूडेंट रहेंगे, नहीं, पूरे इंडिया लेवल के डिप्लोमा स्टूडेंट रहेंगे और आपको उनसे कम्पीट करना है। ओके, उनसे कम्पीट करना है, इसलिए आपका तैयारी भी वैसा ही तगड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ, इसमें भी बहुत सारे मतलब कैटेगरी हैं, CPWD हैं और भी बहुत सारे, मतलब मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से हैं, एक और वीडियो मैं इस पर डेडिकेटेड बनाऊंगा। तो आपका रैंक के हिसाब से आप डिस्कस होता है कि कहाँ पे आपको पोस्टिंग होगा, कहाँ पे आपको मिला है। ठीक है, तो सबसे पहले इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए मैं आप लोग को टिप्स देता हूँ और मैं आपको सब चीज़ बताता हूँ डिटेल में। तो सबसे पहले एग्ज़ाम के बारे में जानेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम लोग स्टडी करते हैं तो उसके पैटर्न को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार का एग्जाम है। जैसे आप अगर SVT से बिलोंग करते हैं, SVT बोर्ड से, तो आप एग्ज़ाम देने से पहले एग्ज़ाम पैटर्न को जाने होंगे कि हमारा 70 नंबर का एग्ज़ाम होता है ना, तो उसमें क्या क्या होता है, कैसे कितने ऑब्जेक्टिव होते हैं, कितने सब्जेक्टिव होते हैं, ये सब जाने होंगे। तो उसी तरीके से एसएससी जेई को भी हम लोग जानेंगे, बहुत सारे बच्चों को इसका नॉलेज नहीं रहता है। तो चलिए एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम आपका 2 पार्ट में डिवाइड होता है एसएससी जेई। ठीक है, एसएससी जेई कितना पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है प्री, ठीक है, एक होता है मेंस। ठीक है, तो प्री जो होता है आपका वो होता है 200 मार्क्स का। ठीक है, प्री आपका होता है कितना मार्क्स का, 200 मार्क्स। ये सब आप पेन पेपर लेके बैठिए, आप लिख लीजिए, नहीं तो दिमाग में बैठा लीजिए। आपका जो प्री होता है वो होता है 200 मार्क्स का और ये 2 घंटे का एग्जामिनेशन होता है। क्या होता है, 2 घंटे का एग्जामिनेशन होता है। और मेंस जो होता है आपका, यानी कि अगर आप प्री क्वालिफाई कर लिए, ठीक है, तब आपको मेंस देने दिया जाएगा। ठीक है, जैसे JEE एग्जाम आप सुने होंगे, JEE, ठीक है, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो इसमें क्या होता है, आप अगर मेंस देते हैं, ठीक है, इसमें मेंस होता है और एडवांस होता है, आप लोग सबको जानते होंगे, मैं आपको ईजी कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। अगर आप मेंस दिए, आपका अच्छा रैंक आया, आप क्वालिफाइड किए, तब ना आप एडवांस देते हैं, तो यानी कि मेंस आपका पहले क्लियर करना जरूरी है। तो इसी तरीके से इसमें प्री क्लियर करना जरूरी है और प्री होता है आपका कितना नंबर का, 200 मार्क्स का, ये 2 घंटा टाइम टेकन लेगा। और उसके बाद मेंस आता है, मेंस होता है हमारा 300 मार्क्स का, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये होता है 2 घंटा। एक बात और मैं आप लोग बता देता हूँ, इसमें जो है इसमें टेक्निकल और नॉन टेक दोनों रहता है, टेक प्लस नॉन टेक। ठीक है, तो आपको दोनों चीज़ का प्रिपरेशन करना पड़ेगा, बट मेंस में अगर आप प्री क्वालिफाई करके मेंस में जाते हो तो मेंस में आपको सिर्फ जो है यहां पे आपको टेक्निकल रहेगा, आपका जो भी ब्रांच है, ऐसे मैं अभी सिविल की बात कर रहा हूं इस वीडियो में, तो सिविल पे स्पेशल फोकस करेंगे। ओके, और आगे का वीडियो मैं और बनाऊंगा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का, तो उसमें हम लोग उस ब्रांच पे फोकस करेंगे। तो मेंस जो होता है, मेंस जो है आपका, इसमें बेसिकली पूरी तरीके से वो बेसिकली वो पूरी तरीके से जो है ना मेंस इंजीनियरिंग पे बेसिस होता है, आपका इंजीनियरिंग मटेरियल रहेगा, आपका जो भी ब्रांच अगर सिविल है तो सिविल का जितना भी सब्जेक्ट है, जो भी है, वो चीज़ आपका मेंस में रहेगा, जो कि 300 मार्क्स का होगा और इसका भी ड्यूरेशन रहता है 2 घंटे। ओके, समझ में आ गया आप लोग को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आगे की तरफ हम लोग। आगे है हमारा प्री एग्ज़ाम। अब हम लोग प्री एग्ज़ाम पर थोड़ा डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, ठीक है, कैसे होता है, क्या क्या होता है, उसका क्या पार्ट होता है। तो प्री एग्ज़ाम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, आप लोग अच्छे से समझे, एक एक चीज़ मैं बारीकी से आपको समझा रहा हूँ। प्री एग्ज़ाम 2 तरह पर डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट में।
एक है टेक्निकल, एक है नॉन टेक्निकल, ठीक है। एक है टेक्निकल होगा आपको एक पेपर, एक होगा नॉन टेक्निकल। तो इसको हम लोग अभी पेपर ए कंसीडर कर लेते हैं, क्या करते हैं पेपर ए, इसको कर लेते हैं हम लोग पेपर बी, ठीक है। तो पेपर ए होता है 100 मार्क्स का, ओके, और पेपर बी भी होता है 100 मार्क्स का। अब इसमें क्या क्या होता है, तो टेक्निकल सिंपल सी बात है, टेक्निकल लाइन में अगर है आप, टेक्निकल नॉलेज आपका अच्छा होगा होगा, तो इसमें जनरल इंजीनियरिंग ब्रांच रिलेटेड रहता है। अगर आपका सिविल ब्रांच है तो सिविल से रिलेटेड रहेगा। क्या क्या रहेगा आगे मैं इसी वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। और अगर आपका मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल है तो उस ब्रांच से आपका रिलेटेड, मतलब टेक्निकल लाइन से होगा, ठीक है। और ये ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। प्री जो होता है वो ऑब्जेक्टिव मेथड होता है, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। दूसरा पार्ट होता है इसका पार्ट बी, जो होता है नॉन टेक यानी नॉन टेक्निकल। अब देखिए, अब यहाँ पे सवाल आता है कि हम लोग तो इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो नॉन टेक्निकल कहाँ से आया, तो बहुत सारे बच्चों को इवन पता भी नहीं होगा कि हम लोग का आगे नॉन टेक भी काम है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग अगर फोर्थ सेमेस्टर में हो तो, या फिर कोई भी सेमेस्टर में हो, तो नॉन टेक पे भी इसे ध्यान देना चालू कीजिए। अब नॉन टेक में क्या क्या आता है, नॉन टेक में आता है हमारा जनरल अवेयरनेस, जीके, जीएस और जनरल इंटेलिजेंस, ठीक है। जनरल अवेयरनेस आपका 50 नंबर का रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस आपका 50 नंबर का। अब जनरल अवेयरनेस मतलब क्या हुआ, जनरल अवेयरनेस में आया मतलब जीके जीएस आप कह सकते हो, और मतलब जैसे करंट अफेयर, करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन में मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, मेरा खुद का ग्रुप है, उसमें मैं डेली करंट अफेयर डालता हूँ, आप लोग जरूर से जरूर ज्वाइन है, आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो आप लोग डेली करंट अफेयर कम से कम ध्यान में रखिए, डेली कम से कम देखते जाइए, क्या लगेगा आपका 5 मिनट लगेगा, बट आपको नॉलेज आपका बढ़ते जाएगा, ओके। और अवेयरनेस में जीके जीएस होता है जैसे कि जियोलॉजिकल और पूरा इंडिया का पूरा, मैं आपको डिटेल में इसकी इसी वीडियो में बताऊंगा आगे क्या क्या कंटेंट है, ओके। और जनरल इंटेलिजेंस हुआ आपका रीजनिंग, यानी आपका मेंटल एबिलिटी चेक करेगा कि मेंटल आपका कितना, मतलब होता है ना आईक्यू पावर कह सकते हैं, आईक्यू पावर चेक करना, उसी को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस। समझ में आ रहा है आप लोग को, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे की तरफ है हमारा एसएससी जेई सिविल पेपर, एक मिनट, एसएससी जेई सिविल पेपर ए वेटेज टॉपिक। मैं आपको बताया था कि हम लोग पेपर ए और पेपर बी दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, पेपर ए और पेपर बी। पेपर ए कौन सा हमारा टेक्निकल, ठीक है, और पेपर बी हमारा नॉन टेक्निकल। तो पहले हम लोग टेक्निकल लाइन की बात करें, तो टेक्निकल की बात करें जो कि हमारा होगा 100 नंबर का, ठीक है, 100 नंबर का होगा। टाइम कितना है, 2 घंटे टाइम, ठीक है। इसमें क्या क्या है, इसमें क्या क्या वेटेज है आपका, कहाँ कहाँ से कितना परसेंट, सबसे ज़्यादा वेट देखिए, स्टडी करना है ना तो मतलब रटिए मत, मतलब एक स्मार्ट स्टडी कीजिए, स्ट्रेटजी बनाइए और उस स्ट्रेटजी पे चलिए। तो मैं आप लोग को यहाँ पे वेटेज बताता हूँ, वेटेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए, जो जो सब्जेक्ट से कम क्वेश्चन आने वाले हैं, जिससे 5% क्वेश्चन आने वाले हैं, आप उसमें अपना 80% टाइम दे रहे हो, सोच रहे हो अरे यार सर्वेइंग तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं टाइम देता हूँ बहुत ज़्यादा, इसमें मैं पढ़ रहा हूँ। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा, आपको मैं दिखाता हूँ सर्वेइंग से जो है मात्र, यहाँ पे कहाँ गया सर्वेइंग, एक सेकेंड, हाँ सर्वे से मात्र 10% का रहता है क्वेश्चन। यही अगर आप इतना टाइम बिल्डिंग मटेरियल को दीजिएगा, आपको 23% सिलेबस कवर हो जाएगी, यानी 2/3 तो आपका कवर हो गया इसी से। तो इसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको पढ़ना है, सॉरी 1/3 बिल्डिंग मटेरियल। तो चलिए यहाँ पे आपको वेटेज में बताता हूँ किस किस सब्जेक्ट से कितना वेटेज। आप लोग इस बात को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान लीजिए, हो सकता है स्क्रीनशॉट ले लें, या हो सकता है तो आपको आप यहाँ पे लिख ले पेपर में, नोट कर ले, क्योंकि ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा काम देने वाला है। और ये जल्दी कोई बताता नहीं, आप कोई वीडियो उठा देख लीजिए YouTube में, जल्दी आपको कोई बताएगा नहीं कि कितना वेटेज होता है। और ये एक्यूरेट है, 3-4 साल के पेपर को मिला के लिया गया है, तो इसलिए आप लोग रिले कर सकते हो। तो पहला है हमारा बिल्डिंग मटेरियल, तो बिल्डिंग मटेरियल से रहता है 23.47%, ठीक है, आपका जो भी क्वेश्चन रहेगा टेक्निकल लाइन में 23.47% रहता है बिल्डिंग मटेरियल से। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैं इसको मानता हूँ, आप लोग इसे बिल्कुल भी ध्यान रखना, ये सब्जेक्ट को बिल्कुल भी मतलब इग्नोर मत करना। दूसरा हमारा आरसीसी, ठीक है, आरसीसी से 12.37%, 12.37 यानी कि 12% के आसपास आरसीसी से क्वेश्चन रहते हैं। बात आया थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका 11.67% का वेटेज रखता है, यानी आप समझिए ये भी 12% का वेटेज रखता है। सर्वे की मैं जहाँ बात कर रहा था, सर्वे से 10% क्वेश्चन रहते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 10% इससे भी रहते हैं। स्टील से 9.6% रहते हैं। इस्टीमेटिंग एंड कोस्टिंग, जो आपका SBT यानी कि कोई भी बोर्ड से अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो आपको ये 5th सेम में पढ़ना पड़ेगा, सिविल में पढ़ना पड़ेगा कि नहीं, तो ये आपको 7% का वेटेज रखता है, ठीक है। सर्वे आपको 3rd सेम और 4th सेम दोनों में है, 3rd सेम में सर्वेइंग, 4th सेम में एडवांस सर्वे, तो ये दोनों चीज़ मिला के है, ठीक ना, ऐसा नहीं समझिएगा सिर्फ एक ही सेमेस्टर का। और इसमें और कुछ कुछ चीज़ इंक्लूड भी होता है, क्योंकि आप अगर SSC का सिलेबस उठा के देखोगे तो उसमें और कुछ कुछ चीज़ इंक्लूड भी होता है। समझ में आ रहा है आप लोग को, चलिए
नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। इतना देर आपको समझ में आ गया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले या लिख ले जरूर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट है हमारा सोयल मैकेनिक्स, ठीक है। सोयल मैकेनिक्स जो कि हमारा फोर सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है, तो इससे भी 5% का वेटेज रहता है, ठीक है। 5% से इससे भी क्वेश्चन रहता है, तो इस सब्जेक्ट को भी आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिए। और इस सब्जेक्ट को और क्या बोला जाता है, जियो टेक्निकल, ठीक है। क्या बोला जाता है, जियो टेक्निकल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट बात करें हम लोग ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में दो पार्ट होता है। देखिए मैं आपको बता, सब चीज़ डिटेल से बता रहा हूँ मैं आपको। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में दो पार्ट होता है, एक होता है हाईवे इंजीनियरिंग, ठीक है, एक होता है रेलवे इंजीनियरिंग। तो हाईवे इंजीनियरिंग जो है हम लोग फिफ्थ सेम में पढ़ना है, रेलवे इंजीनियरिंग फोर्थ सेम में पढ़ना है। तो दोनों मिला के जो है ना, यहाँ पे आपका 5% का वेटेज रहता है, यानी 5% क्वेश्चन दोनों को मिला के हाईवे इंजीनियरिंग और रेलवे इंजीनियरिंग अगर हम मिला दे तो आपको उससे पूछा जाएगा। समझ में आ गया आप लोग को। नेक्स्ट है हमारा इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, इससे भी 4% क्वेश्चन रहते हैं हमारे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग को, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। एरीगेशन एंड हाइड्रोलॉजी, इससे 3.2% का वेटेज रहता है। तो ये हुआ हमारा वेटेज, यानी पेपर ए जो है हमारा, यानी कि टेक्निकल पेपर का वेटेज मैंने आपको पूरी तरीके से यहाँ क्लियर कर दिया कि किस किस सब्जेक्ट से कितने परसेंट मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। तो उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छा लगा होगा ये। चलिए अब नेक्स्ट, अभी ख़त्म नहीं हुआ वीडियो, अभी मैं और आप लोग को बहुत चीज़ बताने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो में बने रहे, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक है हमारे चैनल का, अगर आप लोग चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, मैंने आपको बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ आप लोग के लिए। आप लोग देख सकते हैं ये सब स्लाइड मैंने खुद बनाया है और मैंने रात भर जग के ये सब बनाया है, तो आप लोग के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। प्लीज़ आप लोग एक बार सब्सक्राइब कर दे चैनल को। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, और सिविल के लिए तो भाई मेरा चैनल बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग सब जानते ही होंगे, नहीं जानते होंगे तो आप लोग कर लीजिए, आप लोगों को पता चल जाएगा। अब आते हैं हम लोग पेपर टू, यानी पेपर बी की तरह। पेपर बी क्या था हमारा, एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, पेपर बी था हमारा नॉन टेक, ठीक है। नॉन टेक भी जो है ना, कोई भी कॉम्पिटिशन आप एसएससी जेई के छोड़ के कोई दूसरा भी अगर उठा ले तो उसमें भी बहुत ज़्यादा आपका मायने रखता है, ठीक है। नॉन टेक आपका बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो यहाँ पर नॉन टेक में है, यहाँ पर जनरल अवेयरनेस पहला, यहाँ मैंने बताया था जनरल अवेयरनेस और मेंटल एबिलिटी। तो जनरल अवेयरनेस में क्या क्या है, उसका कैसे वेटेज है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको सब चीज़ का वेटेज बता के क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग बिल्कुल भी दिमाग में रखिएगा। चलिए यहाँ पे पहला है, यहाँ पे जनरल अवेयरनेस में हमारा जीके एंड करंट अफेयर, ओके। जीके एंड करंट अफेयर से आपका मार्क्स बेस यहाँ पे रहेगा 26%, कितना परसेंट, 26%, यानी कि जीके एंड करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और करंट अफेयर के लिए आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप मस्ट ज्वाइन करें, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ओके। और जीके तो आप लोग जान ही रहे हैं, जीके में आप लोग को नॉलेज बढ़ाना अपना जनरल नॉलेज से। चलिए नेक्स्ट है हमारा ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट। ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट मतलब इंडिया का जो है सबसे बड़ा लेक, पूरा वर्ल्ड का क्या, कौन सा कंट्री सबसे, मतलब कंट्री मतलब कह सकते हो आप। ज्योग्राफिकल मतलब क्या हुआ कि मैप पे जो चीज़ है, मतलब ज्योग्राफिकली कंडीशन, ठीक है, कहाँ पे कैसा क्लाइमेट है, ये सब चीज़ आप लोग को अच्छे से ध्यान में रखना है पूरे इंडिया का, ठीक है। तो जो यूपीएससी का तैयारी करते हैं उन्हें तो पता ही है यूपीएससी बीपीएससी में। तो जैसा मैं बता रहा था, जो लोग बीपीएससी यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कोई भी कंपटीशन का, तो वो लोग को पता ही होगा कि कितना इंपॉर्टेंस रखता है ज्योग्राफी हमारे लिए, ठीक है। तो इससे हमारा 15.77% का वेटेज रहता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करें, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग अगर फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में कोई भी अगर डिप्लोमाधारी हैं वो लोग पढ़े तो उसके बाद फिर इंजीनियरिंग मटेरियल आ गया तो उसका वैल्यू खत्म हो गया, ऐसा बात नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ने वाला है, ठीक है, ये आपके साथ हमेशा रहेगा। तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन रहते हैं, यहाँ 16.67% वेटेज है इसका, ठीक है, यानी कि 16% क्वेश्चन आपके रहेंगे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से। समझ रहे हैं आप, ये सब जनरल अवेयरनेस का बात कर रहा हूँ मैं, पार्ट टू यानी पेपर बी का। आप लोग ध्यान से समझ रहे हैं, आप लोगों को एक बार शॉर्ट रिव्यू कर देता हूं। हमारा एसएससी जेई का दो पेपर होता है, एक होता है प्री, एक होता है मेंस, ठीक है। अब प्री में भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है पार्ट ए, एक होता है पार्ट बी। पार्ट ए में होता है हमारा टेक्निकल, पार्ट बी में होता है नॉन टेक्निकल, ठीक है। नॉन टेक्निकल में होता है हमारा जनरल अवेयरनेस और मेंटल एबिलिटी। तो इसी पार्ट बी का जनरल अवेयरनेस सेक्शन में आप लोग को भी बता रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे हिस्ट्री में यहां पे 10% का वेटेज रहता है, यानी हिस्ट्री भी आपको इंपॉर्टेंट है। आप अगर ऐसा नहीं है कि अगर आप इंजीनियर हैं तो आपको और सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, आपको सारा सब्जेक्ट पढ़ना है, आपको दिमाग में रखना है, मतलब एक बैलेंस बना के रखना है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो पॉलिटिकल यानी पॉलिटिकल साइंस, इसको हम लोग सिविक्स भी बोलते हैं। तो हम लोग टेंथ तक तो सब चीज़ पढ़ ही हैं, और ट्वेल्थ में भी जिन्होंने आर्ट्स अगर होगा तो कोई बच्चे होते हैं जो ट्वेल्थ आर्ट्स करके उसके बाद आते हैं इंजीनियरिंग लाइन में यानी डिप्लोमा लाइन में, तो वो वैसे भी बच्चे हैं तो वो लोग का तो स्ट्रांग होगा ही। बट जो लोग नॉर्मली हैं, जो लोग टेंथ करके आए या फिर जो ट्वेल्थ करके आए, तो उनको भी थोड़ा पढ़ना है। आप लोग पढ़िए, आप लोग हिस्ट्री पढ़िए, पॉलिटिकल साइंस पढ़िए, इकोनॉमी पढ़िए, ये सब आपको आगे भी हेल्प देगा किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में, ठीक है। और इकोनॉमी से भी रहता है 8%, फिर बायोलॉजी
बायोलॉजी से भी 7%। तो इतना समझ के ये था आपका जनरल अवेयरनेस का वेटेज, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं आप लोग को और मैं आगे बता देता हूँ आपको जनरल अवेयरनेस, सॉरी ये हो गया जनरल अवेयरनेस। और सेकेंड पार्ट है हमारा मेंटल एबिलिटी, यानी आपका रीजनिंग रहेगा। रीजनिंग मतलब कि कोई चीज़ अगर पैटर्न क्विज होता है ना, पजल, वो सब रहते हैं, तो वो सब चीज़ों का भी आप प्रैक्टिस कीजिए। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, मैं एक चीज़ स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, मैं डेली करेंट अफेयर का वीडियो बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग के लिए एक सीरीज स्टार्ट कर दूँ करेंट अफेयर का, जिसमें मैं डेली वीडियो अपलोड करूँ करेंट अफेयर का। तो अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो ये चीज़ मैं स्टार्ट करूँगा। आप लोग कमेंट करो अगर मैं ऐसा आप लोग अगर चाहते हो तो मैं डेली अपलोड कर दिया करूँगा एक एक करेंट अफेयर का वीडियो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा अब आते हैं मेंस प्री का, यहाँ बात खत्म हुआ, समझ में आ रहा है आप लोग को, प्री का बात यहाँ खत्म हुआ। प्री आप लोग समझ गए कैसे कैसे क्या होगा। अब बात आती है यहाँ मेंस पेपर की। तो मेंस जो होता है ना, मेंस बहुत टफ टाइप का होता है, ठीक है। टफ मतलब आप कह सकते हो कि अगर आप प्री निकाले उसके बाद ही मेंस जाते हो, और मेंस अगर आपने निकाल लिया तो आपका हो गया सिलेक्शन भाई, आपने क्वालिफाई कर लिया SSC JEE। तो इतना आसान तो होगा नहीं ये पार्ट, बट फिर भी मैं आप लोग को समझा देता हूँ। आप लोग एकदम अच्छे से पढ़ो, आप लोग क्यों नहीं निकलेगा, जरूर निकलेगा, निकलता इंसान का ही है। तो मेहनत पे के डिपेंडेंट है, आप लोग जितना मेहनत करोगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। तो मेंस पेपर की बात करें तो यहाँ टोटल जो हमारा 300 मार्क्स का एग्जाम होता है। कितना मार्क्स का? 300 मार्क्स का एग्जाम होता है। और ये जो होता है ये सब्जेक्टिव टाइप, आप देखे होंगे प्री जो होता है, प्री क्या होता है, प्री जो होता है हमारा ये ऑब्जेक्टिव टाइप में था ना। और ये 200 मार्क्स का था प्री, 100 नंबर का टैग, 100 नंबर का नॉन टैग। बट ये जो है ये सब्जेक्टिव, मेंस पेपर जो है ये सब्जेक्टिव में होता है, ठीक है। आपको यानी कि आपको जैसे एग्जाम देते हो आप कोई भी, वैसे आपको पेन पेपर से लिख के देना पड़ेगा। और वो जो होता है प्री, वो होता है ऑनलाइन मोड में। ये सब बात आप ध्यान रखिए, छोटी छोटी बातों को मैं बता रहा हूँ, आप लोग कोई मन में कन्फ्यूजन ना रहे। बाकी कोई भी कन्फ्यूजन हो आप लोग कमेंट कर सकते हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो मैं बता रहा था यहाँ पे कि ऑब्जेक्टिव जो होता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव पार्ट जो होता है यानी कि प्री, वो होता है ऑनलाइन मेथड से। बट ये जो मेंस होता है ये ऑफलाइन होता है, पेन पेपर बेस्ड, ठीक है। तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। क्वेश्चन रहेगा आपका सब्जेक्टिव रहेगा, और 300 मार्क्स का एग्जाम होगा। और यहाँ पे जो ये पेपर फुल्ली बेस्ड ऑन सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप सिविल का, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, ये वीडियो स्पेशल सिविल का है, तो और मैं आगे भी दूसरे ब्रांच का भी बनाऊंगा, तो सिविल का बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको पूरी सिविल इंजीनियरिंग की सब्जेक्ट रहेगी। और इसका जो सिलेबस है थोड़ा डिटेल्ड में है, और इसका वेटेज वेटेज सब चीज़ में आगे वीडियो लेके आऊंगा, स्पेशल एक मेंस के लिए वीडियो बनाऊंगा। मैं सब चीज आप लोग के लिए साथ खड़ा हूं, आप लोग बस सपोर्ट करते रहे। चलिए नेक्स्ट पार्ट हम लोग बढ़ते हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कुछ नोट्स आपको मैं कुछ दो चीज़ इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा, ठीक है, जिसे आप लोग बिल्कुल भी दिमाग में रखिएगा। ये दो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला यहाँ पे कि 0.25 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग रहता है। जी हाँ, SSC JEE का जो एग्ज़ाम होता है इसमें 0.25 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग होता है। यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन आपका गलत हुआ तो आपका 0.25 मार्क्स यहाँ पे माइनस हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। यानी आप जितना भी सही बनाइएगा, मान लीजिए आप 100 क्वेश्चन बनाए, ठीक है, 100 क्वेश्चन में आपका जो है 90 सही हुआ, ठीक है, 90 सही हुआ और 10 गलत हो गया, तो 90 मार्क्स तो आपको मिल गया क्योंकि एक क्वेश्चन एक एक मार्क्स का रहता है। बट ये जो 10 गलत हुआ, ये जो 10 गलत हुआ, इसके लिए आपका 2.5 मार्क्स कट गया, यानी 2.5 मार्क्स कट गया। और यहाँ SSC JEE की बात करें तो एक एक नंबर से भाई साहब रैंक आगे पीछे हो जाता है, ठीक है। तो अब एक एक नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो आप लोग इस बात का ध्यान में रखिएगा कि निगेटिव मार्किंग है, SSC JEE के एग्जाम में निगेटिव मार्किंग है। ये बात बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज करती है कि निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है। तो मैं आपको क्लियर कर दिया हूँ, निगेटिव मार्किंग होता है SSC JEE में, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरा बात है यहाँ पे, बोथ एग्जाम प्री हो या मेंस हो, दोनों दो दो घंटे का होंगे, ठीक है, दो दो घंटे का एग्जाम होगा। तो एग्जाम ड्यूरेशन आपको पता चल गया, तो उस हिसाब से आपको स्ट्रेटेजी बनाना है कि आपको कैसे एग्जाम देना है। जैसे अब मैं प्री का बात करूँ तो प्री में आपको टैक और नॉन टैक रहेगी, टैक और नॉन टैक रहेगी, रहेगी ना। तो टैक की बात करें तो यहाँ पर टैक में आपको एक घंटा का टाइम मिले देना चाहिए, टाइम तो आपको दो घंटा मिलेगा, उसी में आपको सब चीज़ करना है। बट अगर आप अपना एक स्ट्रेटजी बना ले तो एक घंटे में आप टैग कीजिए या एक घंटे में अवेयरनेस कीजिए, दोनों हो जाएगा, ठीक है। बट यहीं पे अगर आप थोड़ा दिमाग लगा लेते हैं, अगर आप नॉन टेक्निकल फील्ड को अगर आप मास्टर कर लेते हैं और उसको अगर एक घंटे के जगह जो है यहाँ पे 45 मिनट में ख़त्म कर देते हैं, तो आपको टेक्निकल लाइन में थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। या फिर आप देखिए शुरू से टेक्निकल पढ़ रहे हैं, शुरू से टेक्निकल पढ़ रहे हैं, तो आपका टेक्निकल होगा स्ट्रॉन्ग, ऑब्वियसली बात है। अगर आप टेक्निकल ही में लाइन में हैं तो
थोड़ा टेक्निकल होगा आपका स्ट्रॉन्ग, तो आप टेक्निकल में थोड़ा कम टाइम थोड़ा बचाइए। अगर आप इसको 45 मिनट में ख़त्म कर लेते हैं या 50 मिनट में ख़त्म कर लेते हैं तो आपके पास टाइम बचेगा उधर। तो आप अगर वो जी अगर आपका नॉर्मल जो है या करंट अफेयर जी के जी एस वाला पार्ट तो वो थोड़ा वीक भी रहा, मतलब थोड़ा सा अगर मान लीजिए आपका वीक है, आप टाइम नहीं दे पाए, तो उसमें आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा, उसमें आपको सोचने के लिए ज़्यादा टाइम मिलेगा, तो आपको ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा, कहीं ना कहीं कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को। तो आप अपना एक स्ट्रैटेजी बनाइए, अपना एक रूटीन बनाइए, रूटीन से चलिए कि क्या क्या आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, आप लोग ये बिल्कुल ध्यान रखिए क्या क्या आपको पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। समझ में आ रहा है आप लोग को बात को? और कोई भी डाउट हो तो आप लोग बेझिझक कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में मैं आपका रिप्लाई दूंगा। चलिए अब यहाँ पे एक बात करते हैं बुक की। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि बुक कौन सी फॉलो करे। ठीक है, बुक कौन सी फॉलो करे, सबसे बड़ा बात है यहाँ पे बुक की बात आती है। तो मैं आप लोग को एक एक चीज़ बताता हूँ। देखिए, अगर मान लीजिए आप फोर्थ सेमेस्टर में हो, ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको आरएस खुरमी का एक बुक आता है सिविल इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जिसमें आपको जो है ना अप्रॉक्स हमको लगता है 5000 प्लस ऑब्जेक्टिव रहते हैं। आपको इसका प्राइस कुछ 300 के आसपास पड़ेगा, आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा क्योंकि लॉकडाउन का टाइम है तो आप लोग ऑब्वियसली बात है बाहर जाते नहीं होंगे, तो आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा, आप लोग मंगवा लें और उससे बुक से प्रिपेयर करें। आरएस खुरमी का बुक है। हाँ, माफ़ी चाहूँगा डिस्टर्बेंस के लिए। तो हम लोग बात करते हैं बुक की। तो आरएस खुरमी, मैं आपको बता रहा था आरएस खुरमी का बुक आता है जिसमें 5000 प्लस ऑब्जेक्टिव रहते हैं, तो ये आपको बिल्कुल ही परचेज कर लेना चाहिए अगर आप फोर्थ सेमेस्टर में हैं। अगर आप सिक्स सेमेस्टर में हैं तो आपको उससे बेटर मैं मटेरियल आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखिए। ठीक है, तो समझ में आ गया आप लोग को। आरएस खुरमी आप लोग ले लीजिए और आप लोग प्रैक्टिस करना अभी से चालू कर दीजिए। नॉन टेक की बात करें तो आप लोग वीडियो देखिए, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जो कि डेली आते हैं करंट अफेयर के, जी के जी एस, वो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा। और मैं खुद यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे करंट अफेयर का वीडियो बहुत जल्दी सीरीज, जो कि आपको डेली शाम में मिलेगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा वो। तो आप लोग उसके लिए अगर एक्साइटेड हैं तो कमेंट डाउन करें। चलिए और मैं बताता हूँ, देखिए अगर आप सिक्स सेमेस्टर में या फिर कोई और आप निकल गए हैं, पास आउट कर गए हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट मैं बुक बताता हूँ, सबसे बेस्ट बुक IES मास्टर। ठीक है, IES मास्टर एक इंस्टीट्यूट है जिसका मटेरियल आता है जो कि सबसे बेस्ट लगा मुझे SSC JEE के प्रिपरेशन के लिए। तो इसका एक बुक आता है SSC JEE की स्पेसिफिक। ठीक है, तो वो आप लोग ले लीजिएगा। वो उसमें आपको क्या होगा ना, उसमें आपको बहुत सारा ऑब्जेक्टिव अप्रॉक्स मतलब 8000-9000 ऑब्जेक्टिव होंगे हर एक टॉपिक वाइज, तो आपको वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो टॉपिक वाइज से रहेगा तो आपको प्रिपरेशन करने में थोड़ा ज्यादा आसानी रहेगा। तो बुक का बात आप समझ गए कौन कौन सा लेना है। तो आप लोगों को मैं दिखा भी देता हूं, एक मिनट रुकिएगा, मैं दिखा ही देता हूं यहां पे आप लोगों को। तो सर माफी चाहूंगा डिस्टर्बेंस के लिए, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं एक बार। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं कौन कौन सा बुक है। आप लोग देखिए, स्क्रीन देखिए, RS खुरमी सिविल इंजीनियरिंग आप लोग सर्च कीजिएगा, आपको आ जाएगा यहाँ पर। देखिए ये बुक है आपका। ठीक है, RS खुरमी सिविल इंजीनियरिंग फर्स्ट एडिशन, ये आपका बुक है, ये आपको परचेज करना है डेफिनेट। ठीक है, इसके बाद मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एक है IES मास्टर, सिविल नोटिफिकेशन आ रहे होंगे तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। हाँ, ये वाला देखिए, ये हर एक ईयर वाइज आपका जो ईयर में प्रिपरेशन आपको करना है ये आप ले लीजिएगा उस हिसाब से। ये दो बुक मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ अगर आप SSC JEE के एस्पायरेंट हैं तो। तो समझ में आ गया आप लोग को। अब आगे बढ़ते हैं आप लोग को। अब आगे मैं आप लोग को बताता हूँ कि स्टडी मटेरियल का वीडियो आपको जल्दी ही मिलेगा, कुछ कुछ PDF भी मैं आप लोग को उपलब्ध करा दूँगा IES मास्टर, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा यहाँ पे SSC JEE का एग्जाम के लिए। तो उसके लिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब करें और WhatsApp ग्रुप में ज़रूर जुड़ जाए। चलिए, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का भी वीडियो बहुत जल्दी आएगा हमारे चैनल पे। तो ये सब चीज़ तो छोटी मोटी बातें हैं, ठीक है, आएगा, इसके लिए आप लोग स्टे ट्यून रहिएगा। सो यही पे हमारा वीडियो ख़त्म हुआ। उम्मीद करते हैं आपको सारा इन्फॉर्मेशन मैं एक एक करके दे दिया होगा, सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया होगा। आई थिंक एस्पेक्ट्स ऑफ सिविल इंजीनियर की तरफ से पूरी कोशिश है कि आप लोग सफल हो अपने लक्ष्य में और आप लोग अच्छे से अच्छे पोजीशन प्राप्त करें और SSC JEE का प्रिपरेशन करते रहें आप लोग। आपके लिए SSC JEE एस्पेक्ट्स ऑफ सिविल इंजीनियर यानी मैं अंकित कौशिक आपके लिए खड़ा है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें इस वीडियो को, जितना हो सके शेयर कीजिए। आप लोग को दोस्तों को भी हेल्प मिलेगी अगर आप वीडियो, क्योंकि वीडियो में मैंने बहुत ही डिटेल एनालिसिस से सब चीज़ मैं आपको क्लियर करूँगा। मैं आपको बुक भी रिकमेंड किया हूँ, मैंने आपको दिखा भी दिया कौन सा बुक है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू ये वीडियो देखने के लिए और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। और करंट अफेयर का मैं बहुत जल्दी सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।